अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं ग्रिल फिश पाकिस्तानी स्टाइल से, जिसे आप बेक भी कर सकते हो, आप ये फ्रायर में बना भी सकते हो और इसको नॉर्मल पैन में भी फ्राई कर सकते हो। हल्का सा आप वाइट फिश लीजिए, उसको डिफ्रॉस्ट कीजिए, थोड़े से आप होल्स बना कीजिए जैसे मैं कांटे के साथ कर रही हूँ, ताकि स्पाइसेस सही तरीके से मैरिनेट होकर अंदर जज्ब हो जाएँ। मैं मैरिनेशन कर रही हूँ अदरक लहसुन के पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी के साथ। सही तरीके से मैरिनेट कर लें और इसको फ्रीज़र में रख दें, फॉइलिंग पेपर में, अगर आपको बाद में यूज़ करना है, वरना आप उस वक्त उसको ग्रिल भी कर सकते हो, पैन में फ्राई भी कर सकते हो। मुझे बेसिकली यूज़ करना था देर से, तो मैंने फॉइलिंग में उसको रैप कर दिया था और फ्रीज़र में रख दिया है। मैंने फ्रीज़र से निकाला ताकि अब मैं उसको बनाने लगूँ। अब चिपके नहीं हमारी फिश, इसलिए नीचे मैंने लेमन के स्लाइसेस रखा है। आप कभी भी कोई फॉइलिंग पेपर किसी भी की चीज़ के लिए, अगर आप फिश को चाहिए होता है कि वो ना चिपके, तो नीचे आप लेमन के स्लाइसेस रखें। एयर फ्रायर में मैंने इसको डाल दिया है, डाल जैसे आप देख रहे हो 20 मिनट्स का टाइमर दिया है। साथ ही साथ मैं चेक भी करती रहूँगी कि मेरी फिश जल ना जाए, सही तरीके से बने। साइड लाइन पर मैं लोबिया और केचप मिक्स कर रही हूँ पैन में रख डाल के, हल्के से आप देख रहे हो, और आप देखेंगे मैं थोड़ा सा सौते ही करके वो रेडी है मेरा। इस मिनट टाइम तक मेरा फिश भी रेडी हो जाएगी 20 मिनट्स में, और देखें क्रिस्पी भी है, क्रंची भी है और नॉर्मल चिपकी भी नहीं है क्योंकि लेमन था नीचे। तो आप उसको जब भी बेक करें तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप देखें चीज़ बॉल्स हैं, लोबिया और वो है, और ग्रिल फिश भी है। आप अपने हिसाब से मसाले यूज़ कर सकती हो अपने टेस्ट के मुताबिक। थैंक यू सो मच आपने मेरी ये रेसिपी देखी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो